सो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पार्ट जितने भी हमारे हैं वो हो चुके हैं पेंट, और कुछ पार्ट हमारे हैं जो कि होने हाइड्रोडिप भी। जल्दी से कराते हैं उनको और उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको फिटिंग के टाइम पर। दोस्तों, दिस इज़ द टाइम हमारी छत के ऊपर चढ़ रही है हमारी लेमिनेशन, या फिर कह सकती हो हमारी छत के ऊपर कपड़ा चढ़ रहा है ब्लैक कलर का, जो कि मैंने डिसाइड किया था। और ये कपड़ा काफ़ी सोच समझ कर ही आया है। कुंदन भाई इस बारे में थोड़ा बेटर ब्रीफ करेंगे। हाँ जी, इसके अंदर हमने पीछे लगाया कि लेमिनेट कर रहा है फोम को। ये फोम लेमिनेट है, अस्तर लगाया, ठीक है। अस्तर के ऊपर फोम है, फोम के ऊपर हमने इसका कपड़ा है जो हमारा नॉर्मल कपड़ा नहीं है, ठीक है। ये इसलिए लगाते हैं कि हीट नहीं होगा, ऊपर से थोड़ा टाइम बाद क्या होता है, धूप वगैरह में गाड़ी चलती है, खड़ी रहती है, हीट हो जाता है। अच्छा, तो ये हीट को रुकता है, जिसे डैम्पिंग लगाते हैं। हाँ, तो डैम्पिंग का भी काम करता है ये। तो मतलब एनीवे, ये कपड़ा लगाने से मेरे को 3-4 फायदे तो मिल ही जाएंगे। और बाय द वे, ये लगाया जा रहा है, पेस्ट किया जा रहा है हमारे उस सोल्यूशन से, फेविकोल वाले हीटेक से, और निकलने के इसके चांसेस तो नहीं। अगर निकल गया तो यहीं आ जाऊँगा, फिर देख लेना, ये पकड़ लूँगा आपको, ठीक है। तो खैर, कपड़ा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और मैं देख पा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे फैब्रिक्स देखे भी हैं, कुछ इसी टाइप का कपड़ा मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। जो मैंने इनको कपड़ा बताया था ये एग्जैक्टली वही कपड़ा है जिसके अंदर छोटे छोटे हल्के हल्के डॉट है। तो लगाते हैं इसे, मेरे पास और भी है, मैं हाँ दिखा दूंगा। चलो एक बार दिखा दो। जैसे दोस्तों, एक चॉइस और है हमारे पास यहाँ पर, ये प्रॉपर कह सकते हो वेलवेट टाइप में है, ऐसे ही कुछ है ये, और वो वाला है उसके अंदर हल्के हल्के डॉट है, या कह सकते हो हल्की हल्की जाली जैसा पैटर्न बना हुआ है। और जाली से पैटर्न है और इससे बेटर है, इससे बेटर है बेसिकली। रही बात इसकी दोस्तों, जो फॉर्म है वो हल्की सी थिन है, ये वाली है ना। अगर कुंदन भाई प्राइस की बात करूँ तो ये किस रेट में पड़ जाएगी हमें, किसी को अगर छत छत करवानी हो? करवाना चाहते तो 3000 में हो जाएगा, 3000 की। और जो आप में लग रहा है 5000, 5000 वाली है, वो है 5000 वाली दोस्तों, ये हमारी 3000 वाली। कोई भी अगर आता है, बाकी चॉइसेस और भी मिल जाएगी अगर आपको चाहिए ऑर्डर पर भी, कैसा भी। ये कलर आप कोई भी अवेल करवा देते हो, कोई भी लाल पीला हरा नीला? लाल पीला हरा ना, सब कुछ। मना तो नहीं करके भेजोगे अगर हमारा कोई? आ जाओ, ये कुछ दूसरे कलर्स भी है दोस्तों, आप देख सकते हो, ये ब्लू है, स्काई ब्लू है, ये है ना, ये ऑफ वाइट, ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट, ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट है, क्रीम है, ब्राउन है, हल्का हल्का ग्रे ग्रे कलर ना, ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, ब्लैक है, अच्छा ठीक है। ये कलर कौन सा है? वो नाडो, नाडो। और ये हमारा स्काई ब्लू, ये हमारा टैन, और ये रेड। किसी को बाकी कोई और कलर चाहिए, तोतिया वोतिया नीला पीला सारे मिल जाएंगे, सब करवा दोगे ना? अरेंज मना तो नहीं करोगे, वापसी तो नहीं मिलेगी हमारे पास? और अगर कोई चैनल की वीडियो देख के आते हो कोई, तो कोई स्पेशल डिस्काउंट कुछ है? स्पेशल डिस्काउंट वो डिस्क्रिप्शन में दे दे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आने के बाद। तो दोस्तों, जितना कुछ ब्रीफ करना था कुंदन भाई ने कर दिया है। यहाँ की तरफ हो रही है हमारी छत तैयार, उस्ताद जी को करने देते हैं काम। तो ये हमारे जितने भी ट्रिम्स पोर्शन है उसके जो दूसरे पार्टीशंस थे उनके साथ जोड़ा जा रहा है इन पेचों के थ्रू। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पेच हैं जोड़ने के लिए, तो यानी हमारे पास आज बहुत काम है करने को। ये छत है हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, पीछे की तरफ नीचे की तरफ। तो अब इस छत को सेट करेंगे हमारी गाड़ी के अंदर वापसी, ये और हमारे बाकी ट्रिम्स पोर्शन सब कुछ तैयार करके लगाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। आओ, सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम दोस्तों, जब मैं आपको दिखा दूँ हमने हेडरेस्ट क्या करवाए, कस्टमाइज कितने कितने करवाए हैं इसकी। तो वैसे तो मैंने जितनी भी स्पेसिंग थी सब कुछ इंक्रीज कर दी है, साथ ही में मैंने कुछ ये कुछ एक पाउच टाइप का अलग से बनवा कर मैंने फैसला किया है इसके ऊपर लगवाने का। और लगेगा कैसे वो तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। खैर, कुछ इस तरीके से इसे इसके अंदर इसे डाला जा रहा है, देख सकते हो भाई आप बहुत ही क्लियरली। तो ये रहा हमारा हेडरेस्ट दोस्तों, कुछ देख सकते हो, और ये रहा इसका तैयार किया हुआ पाउच। एक और है जो कि ऑलरेडी रेडी है, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा दिखता है जो मैंने एक्स्ट्रा सोचा है इसके ऊपर लगाने की। अब ये रहा हमारा हेडरेस्ट, इस हेडरेस्ट के ऊपर मैंने इसको इस तरीके से लगाने का फैसला कराया है। तैयार मैं इसको कुछ इस तरीके से करवाऊंगा ताकि ये जो मेरा हेडरेस्ट है यूनिक लगे, इसको इसी के ऊपर पेस्ट कर देंगे और इसका लुक बहुत इन्हांस होकर आएगा। वो तो बाय द वे आप वीडियो के एंड में ही देख पाना कैसे लग रहे हैं हमारे हेडरेस्ट भी। मुझे लगता है दोस्तों ये वो एक बेस्ट टाइम है जब मुझे दिखाना चाहिए आपको कि एक्चुअली में क्या काम चल रहा है हमारी गाड़ी के अंदर। फिलहाल के लिए इधर आप देख सकते हो हमारी जो पूरी की पूरी रूफ़ है वो पहले वाइट हुआ करती थी, अब पूरी की पूरी रूफ ब्लैक हो चुकी है। इसके डोर हैंडल्स तक की बात करूँ ये ब्लैक है, और तो और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया था जो हमारा मिरर था ये यहाँ लगने वाला, इस मिरर को भी हम चेंज करा रहे हैं और ये नया मिरर है, पुराने वाला नहीं है बाय द वे। और इसके नीचे का जो पोर्शन है सब कुछ लगेगा इसी के अंदर, एक बार लग जाता है फिर मिलता हूँ मैं आपसे। ये हमने बम बिठा दिया गाड़ी के अंदर, अब हमारी गाड़ी बम बन गई है।
एज ऑफ नाउ दोस्तों आप करंट कंडीशन देख सकते हैं हमारी गाड़ी की, और जैसे जैसे हम पार्ट फिट करते जा रहे हैं इसकी जो लुक है वो एनहांस होती जा रही है, पहले से भी बेटर। करा लेते हैं भाई सारे सारे पार्ट इंस्टॉल, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। वेलकम बैक दोस्तों, यह है एक और अनदर दिन हमारी गाड़ी के ऊपर चलता हुआ पीछे की तरफ काम। हमारा काम कल पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है, लेकिन रिसेंटली ही, अगर आप जानते हो दिल्ली में रहते हो तो आपको रिसेंट खबर मिली होगी कि 10 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है। तो ऑब्वियसली घर रीच करने के लिए हर कोई इंसान 8:30, कोई 9, कोई 9:30, कोई 10 बजे निकल जाता है, लेकिन थोड़ा मैं चाहता था अगर एक दो घंटे या फिर पीस ऑफ माइंड होता तो हमारा काम बहुत जल्दी हो पाता। अंदर की तरफ हमारी गाड़ी के अंदर काम तो चल रहा है, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप अगर कभी भी आते हो ऑटो स्टाइल पर तो ये मोस्टली आपको दिख जाएगा किस टाइप की गाड़ियों के अंदर भी काम चलता है। जैसे कि एक तरफ हमारी जीप खड़ी हुई है, इधर ये BMW है जिसके ऊपर डिटेलिंग का काम सारा चल रहा है। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को आपको दिखाना कि हमारी गाड़ी के अंदर क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है। होपफुली आप कलर जस्टिस अब कर पा रहे होगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि सारी की सारी फिटिंग हमारी एक बार लग जाती है, उसके बाद मैं करता हूँ आपसे डिस्कशन। हमारे मोनू भाई है इस तरफ फिटिंग करते हुए। मोनू भाई आज हमारे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। वैसे एक्सक्लूसिवली आपको बता दूँ, मोनू भाई आपको ऑटो रीस्टाइल पर ही मिलेंगे, अब उसके अलावा आपको मोनू भाई कहीं नजर नहीं आएंगे। मोनू भाई काम करते में खुश हो? खुशी मिल रही है? जी भैया खुशी मिल रही है। वैसे जो काम हुआ है हमारी गाड़ी में आपको समझ आया कुछ? भाई तब एक बात पूछना चाहूंगा मोनू भाई, कितने साल से काम कर रहे हो लोगों को एक बार ये जरूर बताओ। ये मेरे को 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है मोनू भाई के अंदर के डेडिकेटेड है। मोनू भाई किसी भी गाड़ी के साथ काम कर सकते हैं, कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, चाहे महंगी से महंगी गाड़ी हो। अवंती ववंती के भी इंजन बनाए हैं आपने, है ना? मैंने काफ़ी गाड़ियाँ देखी है जो मोनू भाई के हाथ की बनी हुई है। और मोनू भाई फिटिंग खोलने बंद करने और यहाँ तक कि पूरी गाड़ी उधेड़ कर वैसे ही की वैसे उससे भी बेहतर कंडीशन के अंदर बांधने में भी बहुत एक्सपर्ट है। तो मोनू भाई आपको एक्सक्लूसिवली यहीं मिलेंगे हमारे, और बस बाकी भाई मोनू भाई को अब पूरी फिटिंग कर देने देते हैं, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। बाय द वे दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूँ, हम इस गाड़ी के अंदर जितना भी काम करे बैठे हैं यानी इंटीरियर से रिलेटेड, उसकी सारी प्राइसिंग, क्या चीज़ कितने की लगी, क्या क्या अल्टरनेटिव्स है, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर हम एंड तक फाइनल प्राइस भी बताएंगे आपको। तो इस वीडियो को लॉयल्टी के साथ ज़रूर देख लेना ताकि आपको समझ आ जाए क्या काम कैसे हुआ, कैसे मैंने प्लान किया, कैसे हमने फैसले चेंज करे, कैसे कैसे हमने प्लान आउट किया था, सारी चीज़ें। ओके सर, दोस्तों दिस इज़ द बेस्ट टाइम, हमारी कार का पूरा इंटीरियर जो है वो हो गया तैयार। मेरे साथ में है कुंदन जी, और कुंदन जी ही रिप्रेजेंट करेंगे हमने क्या क्या करा है इनकी प्लानिंग और कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े मेरे विजन से। एक बार खोल देते हैं गाड़ी का अंदर का व्यू दिखा देते हैं, तो इधर की तरफ आप देख सकते हो। कुंदन जी आप एक्सप्लेन करिए प्लीज़। इसमें हमने जो सिल्वर कलर आता है इसमें आप नोटिस किया, सिल्वर कलर आता है इसमें, ठीक है? हाँ। जो गाड़ी टॉप मॉडल भी होती है स्विफ्ट, इसमें सिल्वर कलर आता है। इसमें हमने जो करा है इसमें कार्बन फाइबर लुक में करा है, आप देख सकते हैं इसमें कार्बन फाइबर है। और इसके जो नीचे गत्ते होते हैं इसमें आता है ब्लैक कलर का, जो आपकी गाड़ी में आ रहा था ब्लैक कलर का। इसमें हम लेदर सॉफ्ट कोटिंग करें हैं, इसमें लेदर सॉफ्ट कोटिंग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें एकदम बिल्कुल सॉफ्ट फील आ रहा होगा। और फिर हमने नीचे इसमें वाइट के कम्बिनेशन दिया है, इसमें वाइट कलर का हमने फोमिंग के साथ, ये नॉर्मल नहीं है सिर्फ कपड़ा नहीं है, इसमें नीचे फोम भी है। मेरे को एक्चुअली में चाहिए था कि जब मैं हाथ रखूं या कोई और भी हाथ रखे गाड़ी के ऊपर तो इस तरीके से उसको यहाँ पे सॉफ्ट कुशनिंग महसूस हो, यही रीज़न था कि मैं चाहता था कि ये वाले जो मेरे वाइट पोर्शन है ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगे। इसमें फिर हमने ऐड करा है इसमें कार्बन फाइबर लुक में, देख सकते हो भाई इधर आप कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं। डैशबोर्ड में हमने इसको डबल टोन रखा है, ऊपर हमने ब्लैक रखा है और नीचे हमने आप ये पूरा ब्लैक कार होगा, सारे ये हैंडल हो गया आपका, ये हो गया, ये मिरर का हो गया, सारे जितने भी ये पोर्शन है सब कुछ ब्लैक रखे गए हैं, ब्लैक रखे गए हैं, सब कुछ ब्लैक रखे गए। ऊपर के छत के कपड़े भी, हाँ छत का कपड़ा भी इवन ब्लैक है। और इवन अगर आप इसे फील करते हो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कितना जेन्युइन लग रहा है ये छूने में, फील करने में भी बहुत ही ऑसम लुक दे रहा है। अब कुछ लोग कहने वाले होंगे कि आपने यहाँ की तरफ क्यों नहीं अपना पूरा के पूरा ऊपर का एरिया भी ब्लू करवाया, फिर अच्छा नहीं लगता उसमें, क्योंकि डबल टोन में गाड़ी अच्छी लगती है, लुक अच्छा आता है इसमें। और ड्राइविंग डिस्टेंस बिल्कुल जब हम रात में गाड़ी चलाते हैं या दिन में चलाते हैं, धूप सनलाइट आता है उसमें भी आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस आता है। इसके रिकॉर्डिंग में नहीं करा, ये हम जो सिल्वर पैनल है इसके कार्बन फाइबर लुक में दिया हमने,
ये फिर आपको लेदर सपोर्टिंग हो गई इसमें, इवन ये भी पूरा हमने दिया है इसको कार्बन फाइबर लुक में। तो ये एक्चुअली में मेरी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हाँ मुझे पता है ड्राइविंग में ये थोड़ा सा इस पर रिफ्लेक्शन फेंकेगा, वो इन फ्यूचर हम देख लेंगे कि मैं यूज्ड टू कार्बन फाइबर में नहीं फेंकेगा ये, इतना नहीं होता कार्बन फाइबर में, फिर भी ब्लैक कलर है तो इतना नहीं होगा, लेकिन देखते हैं मैं कितना जल्दी यूज्ड टू हो जाता हूँ। ये चीज़ बहुत सही लगी मुझे, इसलिए मैंने यहाँ कार्बन फाइबर ही कराया। कोई और कलर भी करवा सकता था लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही रिफ्लेक्शन फेंकता है इस पर। रही बात नीचे की तरफ आते हैं, फिर इसका हमने ये ब्लैक से हमने व्हाइट कर दिया, क्योंकि व्हाइट के पाइपिंग के साथ इसका मैच करा हमने। हाँ, और ये मैंने यहाँ की तरफ अगर आप देख सको तो ये जो मेरी पहले लगी हुई क्रोम्स थी वो लगी हुई है, लेकिन यहाँ मैंने कार्बन करवाया है। ये मेरी चॉइस है, या आप बताओगे इसे मैं क्रोम रखूँ या कार्बन फाइबर। नीचे की तरफ की अगर बात करूँ, अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ तो ये एरिया जो है मेरा पूरा ब्लू है, तो ये GT बूट के साथ ब्लू कुछ ऐसा लग रहा है, और क्रोम लगा हुआ तो आपने देख ही लिया होगा कैसा लग रहा है। ये मुझे आप सजेस्ट करके बताना कि क्या एक्चुअली में हमें रखना चाहिए, क्या हमें ये क्रोम रखना चाहिए या क्या हमें ये कार्बन फाइबर। ये हमने थोड़ा सा चॉइस के ऊपर छोड़ा है, अपनी खुद की पसंद के ऊपर। हमने यहाँ तक कि मेरा जो गियर नॉब है, ये हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू गियर नॉब के अंदर भी कार्बन फाइबर करवाया है, इसको GT बूट करवाया है, गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही बात। फिर हमने इसमें इसके आपके स्टेडिंग में आप देख रहे हैं जैसे मेटल क्रोल होता है, इसमें भी हमने इसके कार्बन फाइबर लुक में दिया। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो भाई, कार्बन फाइबर लुक में दिया, पूरा कार्बन फाइबर लुक के अंदर है, जैसे कि आप यहां क्लियरली देख सकते हो। अब बात आती है मेन शीट की, जो हमारा धमाका है, जो हमारा धमाका है, तो हमने इसमें एक्स्ट्रा पैडिंग करा है इसकी, इसका हमने शीट का एक्स्ट्रा पैडिंग करे, हमने यहाँ पे भी स्पोर्ट्स लुक दिया हमने। और जो ये मुझे आपका सजेशन था, ये आपका था, मैं मेरा ये था, इसको हमने बढ़ाया, इसको हमने एक्स्ट्रा कोशिंग करा यहाँ फ्रंट की तरफ बढ़ाया, और ये आपका, ये आपने रिक्वायरमेंट किया था मुझे ये चीज़ चाहिए जो मैंने इसमें ऐड करा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमने इसके ऊपर से लगाया है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट ही लोग दे रहे हैं, वैसा नहीं है नॉर्मल किसी कार की तरह। हाँ जी, अगर हम इस शीट की बात और शीट की बात करें, शीट में भी हमने इसका एक्स्ट्रा यहाँ पे भी हमने फोमिंग करके आगे इसको बढ़ाया, जिसको हम देगा इसका स्पेस थाई सपोर्ट कहते हैं, थाई सपोर्ट हमने इसमें बढ़ाया। और जो हमने इसमें फोम लगाया है वो 16mm के फोम लगाया है, ब्लैक कलर की जो HD फोम होते हैं। हाँ, HD फोम पूरी ही गाड़ी के अंदर एक्चुअली वही लगी है। इवन अगर आप सीट कवर की भी बात करो तो सीट कवर बनाते वक्त भी वही सीली गई है, बिल्कुल सेम वही सीली गई है। तो अगर आप बात करते, ये तो रहा हमारा फ्रंट पोर्शन सारा का सारा गाड़ी का, कुछ ऐसी लुक हमारी गाड़ी दे रही है। रियर की तरफ आप जाते हैं तो सेम चीज़ आप इधर की तरफ भी देख सकते हैं, ये रहा वो पोर्शन बैक का। मैट तो हमने फिलहाल हटा दी अपनी गाड़ी के, पीछे की सीट आप देख सकते हो, मैं एक बार उधर की साइड से आता हूँ। इवन हमने सीट में भी आप देख रहे हैं जो पीछे से इसका लुक आ रहा होगा, जो ये प्यारा लुक आ रहा है, इसको हमने पूरा रखा है इसको वाइट में पाइपिंग, ठीक है। इसमें हमने सीट में भी इसमें भी 16mm के HD फोम लगाए हैं, देख सकते हो कि भाई आप पूरी की पूरी सीट हमारी कैसी लग रही है। सिनेमेटिक शॉट में भी होपफुली आपने इन्जॉय करे हो, देखते में कैसे लग रहे हैं आपको खुद बताना कमेंट डाउन करके। पीछे यहाँ से आप देख सकते हो, इसे भी पीछे की सीट में भी हमने व्हाइट कलर के, ये जो हमारा इसमें चैन आता है, चैन भी हमने व्हाइट कलर के दिया है, क्योंकि हमारे थीम पाइपिंग के जो आ रहा है व्हाइट कलर के ही आ रहा है, व्हाइट के साथ हमने इसको भी मैच करा है। दोस्तों जो हमारा डोर है सेम वही कार्बन फाइबर, व्हाइट और ब्लू और ब्लैक इनके ही शेड के अंदर हमने रखा है। ये वाले पोर्शन को पेंट ना कराने का रीज़न है, यहाँ पे अगर आप कुछ भी रखते हो तो स्क्रैच पड़ता है और पेंट खराब हो जाता है आपका टाइमली, तो टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी था। इधर की तरफ आप अगर गाड़ी खोलते भी हो हमारी तो आप देख सकते हो वही हमारी सारी की सारी शेड्स, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे हमारा ब्लू कार्बन फाइबर, ये ब्लैक। इसे रखने का रीज़न ये है ड्राइविंग में डिस्टॉर्शन नहीं पैदा होता, राइट। और नीचे हमारा सेम वही पोर्शन जो हम लेके आए थे, यहाँ जो हमारे डोर पैनल के जितने भी स्विचेज हैं ये सब कुछ हमारे कार्बन फाइबर में है। और इधर की तरफ ये रही हमारी गाड़ी, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो कैसा रहा, आप खुद बताना। इसी के साथ ही दोस्तों आप बताना कि आपको कुंदन जी का काम कैसा लगा, यानी कुशवाहा ऑटोमोटिव एज नोन एज ऑटो रीस्टाइल, इनका इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है वो भी मिला ही होगा। काम से मैं 200% सेटिस्फाई हूँ। और रही बात बिलिंग वगैरह की, हम थोड़ा डिस्काउंट कर ही लेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। बाय द वे आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, करते शूटिंग एंड नई वीडियोज के लिए आप बने रहे इस चैनल पर। अगर आप हो कोई कार एंथुसियास्ट या पसंद करते हो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड कंटेंट, बताना ज़रूर। कुंदन जी और मैं फ्यूचर में भी कुछ प्लान करेंगे जरूर आगे बनाने का। करते इस वीडियो को यहीं एंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरह से हाथ उठाना, ऐसे गोली चला दो, पीस आउट, बाय बाय।